आपका स्वागत है। मैं अशफाक अली। देखते हैं आज की बड़ी खबर। आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 31 किलो कच्ची शराब महुआ जब्त। जब्त महुआ शराब की कीमत लगभग 1,24,000 बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा जिले के वरदौरा वृत्त अंतर्गत कच्ची महुआ शराब बनाने का गढ़ तंडुल डीह में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई से 31 किलो कच्ची महुआ शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 1,24,000 बताई जा रही है। बता दें कि जांजगीर चांचा में कच्ची महुआ शराब पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग की टीम द्वारा लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इस तारतम्य में आबकारी विभाग की टीम ने बरद्वारा वृत्त अंतर्गत डंडुल डीह में कार्रवाई करते हुए 31 किलो कच्ची महुआ शराब जब्त की, जिसकी कीमत लगभग 1,24,000 बताई जा रही है। आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कच्ची शराब के साथ महुआ लहान नष्ट कर दिया गया है। उक्त कार्रवाई में वृत्त बरद्वारा थाना प्रभारी डीके प्रजापति और आबकारी वृत्त परसराम कहरा बसंती बाई का महत्वपूर्ण योगदान। छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा से निशित तिवारी की खास रिपोर्ट। हाँ हाँ, मैं पहली बार बोला था तो उसके बाद ये टांडुलडी का एक और तालाब के पास का दूसरा जगह है, दूसरा अड्डा है, जहाँ पे ये पूरा चढ़ी भट्टी में ड्रम से शराब बनाया जा रहा है। ये इस प्रकार के और भी ड्रम और चढ़ी भट्टी यहाँ पे हैं। इधर आओ ना, पर मैं दिखा देता हूँ, नष्टीकरण में ही कर देता हूँ। ये पूरा ये बड़ा ड्रम है और ये पूरा उसका क्या बोलते हैं, इसको पात्र है जिसमें ये पानी भरा हुआ है। नीचे ये पूरा इसमें शराब निकल रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा तेज है। आग लग जाएगी, आग में डालेंगे तो पूरा जल जाएगा। ये आग जलना शुरू हो जाएगा। ये पूरा आग जल रहा है, ये देखिए पूरा निकल रहा है और इससे आग लग सकता है। ये देखिए, और इसमें पूरा भरा हुआ है, ये पूरा गर्म है काफ़ी।
9 मई 2021 को वृत्त 12 द्वारा में कच्ची शराब का जो गढ़ है और इसका नाम है तांडुलडी, ये रायपुरा भाटापारा में है और ये तांडुलडी का तालाब है और यहाँ काफ़ी मात्रा में हमको पास मिला है। पास के अलावा ये चढ़ी बट्टी मिली जिसे हमने नष्ट किया है मौके पर और काफ़ी मात्रा में शराब मिला है, लगभग 200 लीटर के करीब शराब है और ये शराब बनाने का पात्र मौके पर नष्ट किया गया है। इसके अलावा यहाँ प्रतिदिन लगभग हजारों लीटर शराब बनाया जाता है कच्ची शराब और लॉकडाउन चल रहा है तो आबकारी विभाग और इस बार बार ये आबकारी टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है क्षेत्र में ताकि इनके जो आर्थिक